हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित आपके जो डाउट हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। न्यूज स्क्रीन पर आ चुकी है। इसके अलावा जो ऑफिशियल गाइडलाइन है और आपका जो मॉडल पेपर है प्रैक्टिकल परीक्षाओं का, वो मैं कल ही आपको बता चुका हूँ। यदि वो दोनों चीज़ें आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, आप वो दोनों चीज़ें भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम पर बात करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं में आपको 15% स्वयं लिखकर तैयार करना होंगे और फिर उनके आंसर भी लिखना होंगे। ठीक है, पहले तो 15 क्वेश्चन बनाना होंगे आपको और उसके बाद उनके आंसर भी लिखना होंगे। ये एक बड़ी अपडेट है, पूरी विस्तार से हम जानेंगे इस न्यूज को, किस तरह से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना होंगी। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को धड़ाधड़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक आज की लेटेस्ट अपडेट आसानी से पहुँच सके। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकेंड में डाउट नेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6th-12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल करें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो वाइवा हैं वो अब ओपन बुक सिस्टम के तहत रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रारूप जारी कर दिया है। असाइनमेंट के लिए 24 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसके साथ ही काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि वाइवा होगा या नहीं होगा। ठीक है, पीजी कोर्सेज में ज़्यादातर वाइवा ही होता है जबकि यूजी कोर्सेज में प्रैक्टिकल वाइवा दोनों होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो वाइवा है वो नहीं होगा, वाइवा के बदले ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, वाइवा का मूल्यांकन कैसे होगा वो आप यहां पर समझिए। जिन पाठ्यक्रमों में वाइवा आवश्यक है उनमें मौखिक की परीक्षा के अंक देने के लिए, ठीक है, मौखिक ही मतलब वाइवा को ही मौखिक की परीक्षा बोलते हैं, तो उसके अंक देने की जो प्रक्रिया है वो भी अलग बनाई गई है। इसके लिए छात्रों की कक्षा में नियमित उपस्थिति, कर्तव्यनिष्ठा, आचरण, शैक्षणिक क्रियाकलापों के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा 70% जो अंक हैं वो प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर ओपन बुक सिस्टम के तहत ही निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, 30% अंक आपको कैसे दिए जाएंगे, आपकी प्रेजेंट, कर्तव्यनिष्ठा, आचरण, ये देखा जाएगा। 30% अंक मिल गए समझो, उसके बाद 70% अंक कैसे मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं ओपन बुक मोड में आयोजित होने वाली हैं। ठीक है, अब ये भी यहां पर समझ लीजिए, विश्वविद्यालय देख सकता है मूल्यांकन, छात्रों के जो असाइनमेंट वगैरह आपको देना है, ठीक है, कॉलेजेस के द्वारा असाइनमेंट दिए जाएंगे उनको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, और उनका जो मूल्यांकन करके आप कॉलेज में जमा करेंगे, ठीक है, जो भी मूल्यांकन होगा उसका, वो यूनिवर्सिटी उसे देख सकती है। इसके लिए नकल वगैरह आप ना करें। यदि इस तरह से कोई भी समानता पाई जाती है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, महाविद्यालय को भी इसमें भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा कुछ आपको समझाने का मतलब यही है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाइए, बाकी असाइनमेंट कैसे तैयार होंगे वो यहाँ पर बताया है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। असाइनमेंट टास्क संबंधित उपयोगों, पाठ्यक्रमों के सिद्धांतों, उद्देश्य, क्रियाविधि, सावधानियों, वाइवा के आधार पर होंगे, जिसमें 5 टास्क बहुविकल्पीय 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक पंक्ति यानी कि एक लाइन के 5 प्रश्न होंगे, उसके बाद 2 से 4 लाइन के यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे, तो इसी तरह से टोटल 15 प्रश्न होंगे। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि कोरोना के चलते एमजीपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों को प्रयोगात्मक और मौखिक की परीक्षा में राहत दी है। पहली बार ओपन बुक सिस्टम के आधार पर प्रयोगात्मक व मौखिक की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इसके तहत छात्रों को होम असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, यानी कि घर बैठकर आपको ये सारी चीज़ें पूरी करना होंगी। परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है वो लैब या कक्षा में उपस्थिति और असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। 30% जो अंक है वो महाविद्यालय द्वारा प्रयोगशाला रिकॉर्ड उपस्थिति वारने के आधार पर दिए जाएंगे। 70% अंक ओपन बुक सिस्टम से आयोजित किए जाने वाले असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। असाइनमेंट में 15% जो है वो महाविद्यालय तैयार करेगा। जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसमें 15 क्वेश्चन कॉलेज से आपको मिलेंगे, कल भी मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, वो आपको सॉल्व करना होंगे क्वेश्चन उस, और यहां पर 15 क्वेश्चन जो है वो छात्रों को खुद लिखना होंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको ही बनाना होंगे, ये कमाल की चीज़ है, पहली बार आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन भी छात्रों को खुद से हल करना होंगे और खुद से ही उन्हें क्वेश्चन को बनाना भी होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही मजा आएगा। होम असाइनमेंट के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा।
ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का जो प्रारूप है विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो तुरंत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हम भी वीडियो के माध्यम से आपको कई बार बता चुके हैं, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए। प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के लिए एक मॉडल टेम्पलेट तैयार किया गया है। इस मॉडल के तहत प्रयोगशाला परीक्षा के विकल्प के तौर पर असाइनमेंट दिया जाएगा। छात्रों द्वारा नियमित प्रयोगशाला में किए गए पाठ्यक्रमों प्रयोगों के आधार पर 3 होम असाइनमेंट दिए जाएंगे। इन असाइनमेंट को 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। दोनों भाग के 15-15 टास्क दिए जाएंगे। अब समझ लीजिए, यहाँ पर 3 होम असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो कितने, 1, 2, 3, ठीक है। तीनों में 15 क्वेश्चन तो आपको कॉलेज से मिलेंगे, 15 इसमें मिलेंगे, 15 इसमें और 15 इसमें, ठीक है। इसी तरह से 15 जो नीचे वाले में लिख रहा हूँ ये आपको खुद से तैयार करना होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना होंगे 15, इसमें भी 15 क्वेश्चन खुद से बनाना होंगे। और जब क्वेश्चन बनाएंगे आप तो उनके आंसर भी लिखना है, ये ना सोचिए कि मतलब केवल क्वेश्चन लिख कर ही हम जमा कर देंगे। ऊपर तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 15-15 से, ठीक है, तीनों में। बाकी 3 जो यहाँ पर आपके असाइनमेंट होंगे उसमें तीनों में 15-15 क्वेश्चन आपको स्वयं लिखना है, आंसर भी स्वयं लिखना है। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ, वायवा नहीं होगा किसी तरह का। जो आपका वायवा होता है केवल ये जो असाइनमेंट वगैरह की प्रक्रिया है, यही सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी, बस आपका प्रैक्टिकल समझ लीजिए हो गया। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।